बाद में हो रहा है उस तरह उसके लिए मान्य है और उसके नाम पर की तस्वीर के नीचे हर तरह की विषमता देश में फैल रही है, सब कुछ हो रहा है। तो मैंने सोचा कि मुझे गांधी जी का जो असली चरित्र है उसके बारे में कुछ विचार आपके सामने मुझे रखना चाहिए, इसीलिए मैंने इन क्षेत्र में है। जो कि असली गांधी का चरित्र है वो वास्तव में एक बगावती चरित्र है, एक अराजकवादी चरित्र है, और संक्षिप्त रूप में मैं उसी के बारे में आपके सामने ये कर रहा हूँ। आप सब लोगों से आग्रह है कि मोबाइल को स्विच ऑफ कर लेंगे। आज ही दिल्ली से प्रकाशित एक प्रमुख राष्ट्रीय पत्र में चारों तरफ आवरण में गांधी जी की बड़ी बड़ी तस्वीर लगी थी, इसमें वो एडवर्टाइजमेंट के लिए, और बीच में दो लेख छपे हैं वो काफ़ी दिलचस्प हैं। उस दोनों लेख में एक तरह से इस बात का मातम मनाया गया है कि गांधी के विचार कहीं कहीं पर अभी जीवित हैं और उससे समस्याएं पैदा हो गई। एक लेख में तो कहा गया है कि वो तो एक रोमांटिक अनार्किस्ट थे और हमारी जो पार्लियामेंट्री पद्धति है उसके ऊपर ये इस तरह के तत्वों का प्रभाव ये कुछ खतरनाक किसी को नहीं होना चाहिए। दूसरे लेख में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रतिबंधित किया है कुछ आदिवासी लोगों के बीच में खनिजों का जो ये हो रहा था, खुदाई हो रही थी, उनके ऊपर कहा कि अगर इस तरह की बात रही तब तो इस देश का सारा विकास खत्म हो जाए। तो अब ये चीज़ यहाँ पर कर रहे हैं और गांधी को एक जोड़ा जा रहा है कि गांव और आदिवासी इसके साथ जुड़े आदमी हैं, ये प्रभाव शायद इस देश के विकास के लिए खतरनाक है। और मुझे लगता है कि जो ये मिलाप करने वाले लोग हैं वो सही भी हैं कि इस विकास के लिए तो गांधी वास्तव में बहुत खतरनाक थे, और उनके जो अपने ये विचार थे, मैंने कहा है अराजकवादी, तो जो अंतिम समय में ये 46 के जुलाई महीने का एक वक्तव्य है उनका, वो बताता है कि किस हद तक उनके विचार अराजकवादी थे। वो लिखते हैं, असंख्य गांवों के इस ढांचे में लगातार फैलते हुए वृत्त होंगे, अपने गांव के बारे में कहते हैं, उत्तरोत्तर एक दूसरे के ऊपर आरोही नहीं बल्कि जीवन एक ऐसा पिरामिड नहीं होगा जिसमें शीर्ष बिंदु आधार से सहारा पाए, यह एक महासागरीय वृत्त होगा जिसके केंद्र में व्यक्ति होगा जो गांव के लिए स्वयं को निछावर करने को सदा तैयार रहेगा, गांव वृत्त के दूसरे गांव के लिए आत्मसात के लिए तैयार होगा, अंततः समग्रता में ये सभी व्यक्तियों को समाहित करने वाला एक ऐसा जीवन होगा जिसमें व्यक्ति अभिमान बस आक्रामक होने की बजाय सदा विनम्र होंगे एवं उस महासागरीय वृत्त की गरिमा के सहभागी होंगे जिसके वे अभिन्न इकाई हैं। इसलिए बाहरी परिधि भीतरी वृत्त को कुचलने के लिए शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा बल्कि भीतर के वृत्तों को शक्ति देगा और स्वयं उससे शक्ति ग्रहण करेगा। यह कहकर मेरा मजाक उड़ाया जा सकता है कि यह सब यूटोपियाई है और विचार करने योग्य नहीं, उनमें इतना आत्मविश्वास था कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो कह रहे हैं यही सही है, आपको आना होगा। और उसमें वो कहते हैं, अगर इक्विड के बिंदु अनश्वर मूल्य हैं जिसे मानव द्वारा अंकित नहीं किया जा सकता, तो मानव अस्तित्व के लिए मेरे विचार काफ़ी हैं। तो वो कहते हैं कि जैसे इक्विड के बिंदु को आप बना नहीं सकते हैं,
फिर भी उसका एक महत्व है, मैं जो कर रहा हूँ उसका वैसा ही महत्व है। आप बिल्कुल वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, लेकिन लगातार उसी दिशा में आपको बढ़ना है। भारत को इस सच्चे तस्वीर के अनुरूप जीना चाहिए, हालांकि यह अपनी पूर्णता में अस्तित्व में शायद ही आए। हमारे सामने स्वराज आधार से शुरू होना चाहिए, इस तरह हर गांव एक गणराज्य होगा और प्रभुता संपन्न होगा। इसका अर्थ यह कि प्रत्येक गांव आत्मनिर्भर होगा और अपनी व्यवस्था चलाने में सक्षम होगा, यहां तक कि सारे संसार से अपनी रक्षा करने में सक्षम होगा। यह इसके लिए प्रशिक्षित होगा और इस बात के लिए तैयार होगा कि बाहरी आक्रमण से अपनी रक्षा में बर्बाद हो जाए। इस तरह अंत व्यक्ति है जो अंतिम इकाई है। इसका अर्थ यह नहीं कि यह पड़ोस या संसार से स्वैच्छिक सहायता नहीं लेगा, यह स्वतंत्र और स्वैच्छिक पारस्परिक शक्तियों का सहयोग होगा। इस तरह का समाज और संभावी रूप से उन्हें क्या करना है इससे सुसंस्कृत होगा, जिसमें सभी मर्द और औरत जानेंगे उन्हें क्या करना है। इससे भी बढ़कर यहाँ सब जहाँ सभी समझते हैं कि किसी को भी उस वस्तु की लालसा नहीं होनी चाहिए जो सबों को उपलब्ध न हो। इस तरह की अब आज के भारत में जहाँ गांधी की पूजा हो रही है, अब वो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसी वस्तु की इच्छा नहीं करेगा जो सबको उपलब्ध नहीं, लेकिन सभी जो आंकड़े उपलब्ध हैं वो ये बताते हैं कि इस देश में करोड़पति और अरबपतियों की संख्या बढ़ती जा रही है और 80% लोग 20 रुपये रोजाना पर गुजारा करते हैं। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि गांधी की जहाँ पूजा हो रही है तो गांधी के देश में गांधी ने जो आदर्श रखा है उससे हम कितना करेंगे। मैं खासतौर से इसीलिए तैयार हुआ यहाँ आने के लिए कि मैं चाहता था कि गांधी की जो असली तस्वीर है वो कुछ लोगों के सामने आए और इस मंच से आए, तो अच्छी बात है क्योंकि ये गांधी जी के नाम से चलने वाला एक संस्थान है। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने जो ये पर्चा तैयार किया है उसको आपके सामने अभी पढ़ूंगा। तो पर्चा तो शायद आप लोगों को मिल चुका है। महात्मा गांधी का नाम आराधकवाद के साथ जोड़ना कुछ अटपटा सा लग सकता है, लेकिन यहाँ आराधकवाद शब्द का प्रयोग इसके दार्शनिक राजनीतिक अर्थ में किया गया है। इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने वालों की भिन्नताओं के बावजूद उनमें इस बात पर सहमति थी कि राज्य व्यवस्था स्वयं शोषण का औजार है और अंतर समाज को इससे मुक्ति दिलाना आवश्यक है। इस अर्थ में जब महात्मा गांधी हिंद स्वराज में अदालतों अस्पताल संतों दरियाँ तक किले रहता है तो को अवांछित बताते हैं तो आराधक स्थिति की भावना के अत्यधिक करीब आते हैं। यह बात दिगर है कि उनके देश भारत में हिंदू स्वराज के आदर्शों की पूरी तरह हिंदू स्वराज के आदर्शों को पूरी तरह नज़रअंदाज कर लिया गया। शायद गांधी जी भी इन आदर्शों को तत्काल लागू करना संभव नहीं मानते थे। उनके देशवासियों या राजनेताओं ने शताब्दी समारोहों में श्रद्धांजलि देकर उनकी मूल भावनाओं से मुक्ति पा ली है, लेकिन पश्चिमी दुनिया में जहाँ लोग सभ्यता के दंश से दंश को सीधा झेल रहे हैं, आराधकवादी रुझान पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। पिछली शताब्दी के 60 के दशक में यूरोप और अमेरिका के छात्र आंदोलनों में पूरी व्यवस्था को नकारने का एक रुझान आया था। इस काल में पंथी हिप्पी संस्कृति में इसे साफ तौर पर देखा जा सकता है। पश्चिमी देशों के इस तात्कालिक वैचारिक उभार के संदर्भ में गांधी जी के नाम को घसीटने की कोई प्रासंगिकता है क्या? थोड़ा विचार करने पर लगता है कि एक गहरे अर्थ में इसकी प्रासंगिकता है। दरअसल इसका संबंध राजनीतिक आर्थिक ढांचे में बदलाव से आगे बढ़ उस पूरी चेतना को बदलने से है जो आदमी को उसके प्राकृतिक परिवेश से बेगाना करती गई है। आधुनिक औद्योगिक मनुष्य का पूरा जीवन जब एक ऑटोमेटिक मशीन जैसा बनता जा रहा है, इसमें आदमी महज ऊर्जा भर है, एक समयबद्ध विशाल नागरिक घड़ी का। इसके अनुगुण लंदन द टाइम के स्थिति में स्पष्ट है। ये इलियट का एक पंक्ति है, लंदन द टाइम के स्थिति, मतलब ये लंदन की जगह अब यह मुंबई दिल्ली या बंगलोर कुछ भी हो सकता है। घड़ी की सुई की जगह आदमी इस चक्र से बंधा है
आधुनिक सभ्यता और इसकी विविध संस्थाएं जितना ही अधिक यांत्रिक और उपभोक्तावादी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होती गई हैं, उतना ही भावनात्मक स्तर पर एक निस्सारता का भाव पैदा हुआ है। दिनकर इस पंक्ति में ज्ञान भूमि पर चला मनुष्य को मार रहा मरुथल है, ऐसे ही निराशा का भाव व्यक्त होता है। पर इसके पहले आधुनिक औद्योगिक क्रांति का हुआ ब्रिटेन के एक कवि टीएस इलियट ने आज से लगभग एक शताब्दी पहले जब प्रथम विश्व युद्ध के घोर नरसंहार के बावजूद संसार में इस औद्योगिक सत्ता का यशोगान हो रहा था, अपने विख्यात काव्य वेस्ट लैंड में समाज के सारे क्रियाकलापों को बंजर के रूप में पेश किया था। पश्चिमी दुनिया में नई औद्योगिक व्यवस्था से पैदा अंतर विरोधों और संघर्षों के बीच अराजकवादी आंदोलन ने कहीं न कहीं व्यवस्थागत परिवर्तन से पड़े कुछ अलग तरह के उन्मुक्त जीवन की तलाश थी। यही वह बिंदु है जहाँ यह गांधी की चिंताओं के करीब आता है। वर्तमान औद्योगिक समाज के साथ राज्य व्यवस्था का भी एक खास तरह का ढांचा विकसित होता है, जिसकी यांत्रिकता के लिए मानवीय संवेदना एक बाधक तत्व के रूप में सामने आती है, जिसे निरस्त करने की जरूरत होती है। विख्यात समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने आधुनिक औद्योगिक समाज से जुड़े राजनीतिक नौकरशाही को अति सक्षम लीगल रैशनल सिस्टम, तर्कसंगत कानून व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया था। लेकिन इस सक्षमता की कीमत भाव शून्यता, उसने कहा था डिसइंटेंटमेंट इसका एक नतीजा होता है हमेशा, इसमें सक्षमता है लेकिन डिसइंटेंटमेंट एक भाव शून्यता उसमें आती है, उसमें चुकानी होती है। अराजकवादियों को राज्य के इस चरित्र के कारण इससे किसी तरह का तारतम्य स्थापित करना असंभव लगता था। आर्थिक दबाव से जुड़े इस भावनात्मक दबाव का असर भी लोगों को विशेषकर मजदूर वर्ग को राहत पहुंचाने के प्रयास में देखा जा सकता है। औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोप में मजदूर वर्ग की स्थिति को सुधारने के जो प्रारंभिक प्रयास हुए, जिन्हें कार्ल मार्क्स ने यूरोपियन कहा था, उनका मूल उद्देश्य विकास की इस धारा से निकल समाज को नए आधार पर खड़ा करना था। मोटा मोटी इसमें राजसत्ता को नज़रअंदाज किया गया था। उस समय यूरोप में राजसत्ता की इस औद्योगिक सत्ता के विकास में गहरी संलिप्तता थी। दरअसल चुंगी के छोटे छोटे स्थानीय दायरों को समाप्त कर समेकित राष्ट्र राज का निर्माण और संसार भर के संसाधनों के नियंत्रण के लिए युद्धों का विस्तार करना इन राष्ट्र राज्यों का मूल स्वरूप बन रहा था। इसी विधान को युद्ध विद्या के प्रसिद्ध अध्येता प्लास्टिस्ट ने यह कहकर परिभाषित किया था कि वार इज द कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिटिक्स बाय अदर मींस, यानी युद्ध राजनीति को दूसरे माध्यमों से जारी रखना है। इस संलिप्तता की छाया पूरी बीसवीं शताब्दी पर बनी रही। द्वितीय विश्व युद्ध के पीछे हिटलर की लेबेंसराम जीवन के लिए ठौर का सिद्धांत नई औद्योगिक व्यवस्था के लिए संसाधनों की आक्रामक तलाश के व्यक्ति थी। अस्थायी युद्ध की अर्थव्यवस्था की व्यापकता जो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति और हिटलर जैसे किसी बहाना के न होने के बावजूद भी वर्तमान औद्योगिक व्यवस्था का अंग बन गया है, इस व्यापक रुझान को बताता है। भारत में भी लगातार दुनिया भर के हथियार जो अब समय के हिसाब से पुराने पड़ते जा रहे हैं, लेकिन उस पर भी खर्च हो रहा है, दुनिया भर के हथियार खरीद करके जमा किया जा रहा है, जबकि अभी कोई आशंका नहीं कि किसी बड़े युद्ध में फंसने जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल एक औद्योगिक विकास के लिए जरूरी है कि एक अस्थायी युद्ध की अर्थव्यवस्था बनी रहे। हालांकि नए राष्ट्र राज्य की समग्रता उस काल में स्थापित नहीं हुई थी, फिर भी इसका आभास मजदूरों के दमन और शोषण में साफ मिलता है। अतः यूटोपियाई समाजवादी राज्य सत्ता को दरकिनार कर अलग मूल्यों के आधार पर अलग तरह की व्यवस्थाएं निर्मित करने में लगे थे। इसके विपरीत कार्ल मार्क्स और उनके समकालीन अराजकवादी दोनों ही राज्य को नज़रअंदाज कर समाज में किसी बदलाव को असंभव मानते थे। दोनों का उद्देश्य था राज्य व्यवस्था का विरोध, लेकिन कैसे, इस बिंदु पर दोनों दृष्टियों में गहरा मतभेद था। मार्क्स का कहना था कि मजदूर आंदोलन को राज्य सत्ता का इस्तेमाल पूंजीवादी व्यवस्था को नष्ट करने के लिए करना पड़ेगा। उनका तर्क था कि चूंकि राज्य शोषक वर्ग के वर्चस्व को कायम रखने का एक हथियार है, जब पूंजीवादी व्यवस्था नष्ट हो जाएगी तो इसके साथ ही राज्य व्यवस्था के विघटन का सिलसिला भी जारी हो जाएगा। लेकिन अराजकवादी जो राज्य व्यवस्था को स्वयं ही शोषण का हथियार मानते थे, शुरू से ही इसे नष्ट करने का विचार रखते थे। दोनों ही आंदोलनों के प्रयास अलग अलग कारणों से असफल हुए। पूर्वधाम जो अराजकवादी आंदोलन का प्रथम प्रभावशाली नेता था, किसी तरह की हिंसक आंदोलन और अराजकता दोनों का विरोधी था। इन दोनों को दरकिनार कर शोषण विहीन व्यवस्था कायम करने के लिए खास तरह का विनिमय बैंक स्थापित करने का हिमायती था। उसने स्वयं ऐसा बैंक स्थापित करने का प्रयास भी किया जो असफल रहा।
सर्वाधिक प्रभावशाली आजादवादी नेता बाकुनिन जो मार्ग का समकालीन था और मजदूर संगठनों के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय में कुछ समय तक उसका सहभागी भी था, हिंसक क्रांति से पूंजीवाद और राज्य व्यवस्था दोनों को खत्म करना चाहता था। वो 19वीं सदी के मध्य में हुई यूरोपीय क्रांतिकारी उभारों में बढ़कर हिस्सा लेते रहे, लेकिन सत्ता के प्रति अपने निषेध भाव के कारण हर बार अंत में बहिष्कृत हो गए। दूसरी ओर मार्क्सवादी प्राय सत्ता में आए और अंतर्निहित औद्योगिक व्यवस्था के मूल जो पूंजीवादी उपभोक्तावादी थे और ढांचे को मजबूत करने में सफल रहे। रूस और चीन में जहाँ इनको बड़ी सफलता मिली, औद्योगिकरण तो चरम पर पहुंचा, लेकिन साम्यवाद समता और स्वाधीनता के सारे सपने विलीन हो गए। राज्य सत्ता जिसे विकसित होना था वह परम सत्ता बन गई। इसके विपरीत अराजकवादी वैसे साम्यवादी सिद्धांत की जमीन तलाशते रहे जो शोषण और दमन से मुक्ति दिला सके। इस दिशा में प्रिंस कुलपोट के अराजकवादियों के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतकार हुए। वे जीव जगत और समाज दोनों के गहन अध्येता थे। अपनी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक म्यूचुअल एड में उन्होंने यह दिखाया है कि पशु जगत से लेकर मनुष्य के विकास तक के सभी स्तर पर मानव संस्थाएं अपना अस्तित्व पारस्परिक सहयोग से ही बचाए रख सकें। इस सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन के सिद्धांतों के उस पूंजीवादी व्याख्या के विरोध में किया गया था जिसके मुताबिक जो सबसे अधिक सक्षम है उन्हें ही जीवित रहने का अधिकार है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आधुनिक अराजकवादी जिनमें कुछ अपने को ग्रीन अनार्किस्ट कहते हैं तो कुछ अनार्किस्ट प्रिमिटिविस्ट बौद्धिक रूप से बहुत प्रखर हैं, लेकिन इनकी शक्ति व्यवहार में बहुत ही कम है। ये पारस्परिकता के सिद्धांत को केंद्रीय मानते हैं और वर्तमान सभ्यता को जो पूरी तरह प्रतिस्पर्धा पर आधारित है सिरे से खारिज करते हैं। इन लोगों ने आर्कियोलॉजी एवं एंथ्रोपोलॉजी का गहन अध्ययन कर यह स्थापित करने की कोशिश की है कि चालू अवधारणा कि आदि मानव का जीवन पोषक तत्वों की दृष्टि से चिंता का था पूरी तरह भ्रामक है। उनकी मान्यता है कि आदि मानव जो आखिर और फल मूल पर आश्रित थे औसतन महज 4-5 घंटे के प्रयास से आज की अपेक्षा अधिक पौष्टिक आहार प्राप्त कर लेते थे। वे हॉब्स की इस धारणा को कि प्राचीन मानव का जीवन अभाव और आपसी द्वंद से पार्श्विक और अल्पकालिक था पूरी तरह भ्रामक मानते हैं। वे अद्यतन अध्ययनों का सहारा लेकर यह भी प्रतिपादित करते हैं कि मानव के पतन की शुरुआत आज से लगभग 10,000 वर्ष पहले हुई जब लोगों ने कृषि और पशुपालन शुरू की। कभी से कुपोषण और अनेक तरह के जीवाणुओं से पैदा संक्रामक रोगों की शुरुआत हुई और एक दर्दनाक नतीजे सामने आने लगे। अपने इस प्रतिपादन के समर्थन में उन्होंने अटैक प्रमाण पेश करने का दावा किया है। इन तथ्यों के आधार पर वे वर्तमान सभ्यता को ही समस्या का मूल मानते हैं और इससे निजात पाना चाहते हैं। जॉन जर्जन जिन्हें बहुत लोग वर्तमान समय का सबसे महत्वपूर्ण अराजकवादी चिंतक मानते हैं, एक लेख पोस्ट स्क्रिप्ट टू फ्यूचर प्रिमिटिव री द ट्रांजिशन में जो उनकी पुस्तक रनिंग ऑन एम्प्टीनेस में संकलित है वर्तमान सभ्यता के कुछ पहलुओं पर वैसी ही बातें करते हैं जैसी बातें गांधी जी के हिंदू स्वराज में। इस बिंदु पर दोनों के विचार में अद्भुत समानता है। जॉन जर्जन लिखते हैं, संभवतः एक नई दुनिया में स्वास्थ्य की समस्या आवासीय व्यवस्था सभी कम पहचान में आने वाली होगी। आज की अमानवीय औद्योगिक दवा समाज के संपूर्ण ताना बाना का अनुरूप है जो हमें जीवन और इसकी आंतरिक शक्ति से हीन करती है। वर्तमान समय के असंख्य आपराधिक कर्मों में लोगों की दुर्दशा से मुनाफा कमाने के रुझान को सर्वोच्च श्रेणी में रखा जाना चाहिए। सभ्यता के पहले बीमारियों का अस्तित्व लगभग नगण्य था, इससे अलग कुछ हो भी कैसे सकता था। गलन संक्रमण भावनात्मक बीमारी और ऐसी बाकी बीमारियों का उस उबाऊ काम विषाक्तता बेगानापन भय अर्थ ही जीवन क्षतिग्रस्त बेगाना हकीकत के समग्र पटल को छोड़ इनके उद्गम को नष्ट करके सभी तरह के दुखों का निवारण हो सकेगा। छोटी मोटी समस्याओं का इलाज जड़ी बूटी